नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप लोग को पता होगा, मैंने आज के लिए कुछ वीडियो बना के दिया था, कुछ लेवल्स मैंने आपको बताए थे। काफ़ी सारे लोगों ने इन लेवल्स पर पैसा कमाया होगा। कुछ लोगों का मैंने मेल देखा था और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था, और ख़ास करके DLF के ऊपर काफ़ी आई थिंक 2-3 जन ने मुझे मेल किया था कि सर मार्केट अभी सपोर्ट के नीचे ओपन हो रहा है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप लोगों ने सवाल किया था मुझे, मार्केट आपका 377.80 पैसा के नीचे ओपन हो रहा है। देखिए, आपका 372.90 पैसा एक सपोर्ट है। मार्केट कोई भी सपोर्ट के नीचे, देखो आपके 363 तक का टारगेट आपके पास था। अगर आप लोग चाहते तो 363 तक भी प्रॉफिट बुकिंग अपना कर सकते थे। एनीवे, हम लोग चलते हैं डायरेक्टली लेवल्स के लिए। कल कौन से लेवल पर आप उनको मार्केट को ट्रेड कर सकते हो, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, वो सारा चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं DLF से। DLF का सपोर्ट रहेगा 369.65 रुपीज़। याद रखिए, अगर DLF 369.65 के नीचे अगर सस्टेन करता है और उसके नीचे अगर ट्रेड होना स्टार्ट करते हैं, आप लोग सेल कर सकते हो। आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा 365.80 और 362। आज का डे लो ही सपोर्ट रहेगा, तो यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। याद रखिए, 369.65 के नीचे चले तो आपको सेल करना है। पहला टारगेट 365.80, 362 यहाँ तक टारगेट रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर बात कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 377.35। जैसे ही 377.35 के ऊपर चलने लगता है, आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 382.70। 382.70 के ऊपर भी चलता है 390.50। याद रखिए, अगर 377.35 के ऊपर DLF चलता है, बाय कर सकते हो। टारगेट रहेगा 382.70, 390.50। तो गाइस, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने आपको बता दिया हूँ क्लियरली। ध्यान से आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट करके आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। और ख़ास करके काफ़ी लोग मेरे चैनल से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा मैं कैसे लेवल्स देता हूँ, और ख़ास करके मेरे जितने भी पेड सर्विस में ज्वाइन हैं उनको पता होगा मैं कैसे ट्रेड देता हूँ और कैसे प्रॉफिट हम लोग करते हैं। अगर आप लोग भी डेली बेसिस में प्रॉफिट करना चाहते हो, कैश फ्यूचर ऑप्शंस जिसमें भी ट्रेड करके, तो हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हो मेरे पेड सर्विस में, डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी मेंशन हुआ है, काइंडली आप लोग मुझे ईमेल करिए। अगर आपको पता नहीं चलता है, अगर आप कैसे मेल करना है पता नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग मुझे इंटरेस्टेड या फिर कुछ भी लिखिए, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर जवाब दूंगा। तो जो भी लेवल्स में देने जा रहा हूँ वो लेवल्स को नोट करके आप लोग ट्रेड करिएगा। चलिए, नेक्स्ट रहेगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छा ब्रेकआउट के साथ साथ एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। जैसे कि स्टेट बैंक में हमने क्या प्लान किया था, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 517 के ऊपर यानी कि 519 के ऊपर जैसे ही चलेगा, बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 528 के ऊपर भी हम लोगों ने प्लान किया था, करीबन 540 तक भी जाने के चांसेस है। तो यहाँ पर देखिए, करीबन मार्केट ने उसी रेंज में 531 के आसपास इसने एक पिक बनाया है। तो ये अभी क्या है, अभी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये 540 का जो एक ऑल टाइम हाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसको ये ब्रेक करने के लिए जाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, तो हमें आपको ज़रूर पता होगा जो भी है। फिर भी हम लोग इंट्राडे के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, कौन से लेवल पर आप उसको ट्रेड करना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोर्ट रहेगा 523.90। याद रखिए, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 523.90 के ऊपर चलने लगता है, आप लोग बाय कर सकते हो। उसके नीचे चलने लगता है, सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 517 के नीचे चलता है 510.10 और 503.20।
यहाँ तक भी चांसेस है, और जो जो भी लेवल्स बता रहा हूँ वो ध्यान से नोट करो। 523.90 पैसा आपका सपोर्ट का काम करेगा, जैसे ही ब्रेक करेगा उसके नीचे सस्टेन करने लगेगा। सेल कर सकते हो 510.10 पैसा, 503.20 पैसा, यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 530.85 पैसा, जैसे ही 530.85 पैसे के ऊपर चलने लगता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 535.90 पैसा, 542.30 पैसा, याद रखिए 530.85 पैसे के ऊपर चलने लगता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 530.90 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 542.30 पैसा। और उसके साथ साथ और एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर 542.30 पैसा के ऊपर ये चलने लगता है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 550 का पहला टारगेट और 560 तक दूसरा टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है, जिस दिन ये 542 के ऊपर चलने लगता है। तो ध्यान से जो भी लेवल्स बता रहा हूँ वो लेवल्स नोट करके आप लोग इंट्राडे में ज़रूर ट्रेड करिएगा। मैं कभी किसी को होल्ड करने की सजेशन नहीं देता। अगर कभी भी डिलीवरी कॉल्स होते हैं, मैं आपको सबको देता हूँ जो भी ट्रेड होता है, खास करके जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे साथ ट्रेड करते हैं इंट्राडे के लिए, मैं जिनको सजेस्ट करता हूँ उनको मैं कभी कभी होल्ड करने के लिए स्टॉक्स बताता हूँ। तो फिलहाल के लिए आप लोग होल्ड करने की सोचिए भी मत, जो भी है इंट्राडे में जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट निकाल के आप लोग चल सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड का जो हमारा सपोर्ट एरिया था, वो सपोर्ट एरिया काफ़ी अच्छे से ट्रिगर हुआ है। यहाँ पर जितने लोग देखे होंगे अशोक लेलैंड का 126 का एक टारगेट मैंने दिया था नीचे, उसी पर उसने सपोर्ट लिया है। 125.75 पैसा के आसपास उसने लो लगाया है और वहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर आया। जो हमारे टारगेट्स थे वो सारे टारगेट आपको यहाँ पर अचीव होते हुए देखने को मिला है। तो चलते हैं अशोक लेलैंड के ऊपर। अशोक लेलैंड का सपोर्ट रहेगा 128.70 पैसा, याद रखिए 128.70 पैसा के नीचे जैसे ही सस्टेन करता है अशोक लेलैंड, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 125.70 पैसा और 124, बट इतना नीचे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट ले चुका है मार्केट। यहाँ से थोड़ा एक ऊपर की ओर बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। 130.70 पैसा आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, जैसे ही 130.70 पैसा के ऊपर अशोक लेलैंड चलने लगता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 134.50 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 136.85 पैसा, तीसरा 139.50 पैसा के आसपास भी आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए 131.70 पैसा आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, जैसे ही उसके ऊपर चलता है 134.50, 136.85 और 139.50 पैसा, यहाँ तक आपको अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। गाइस अगर किसी को भी मेरा पेड सर्विस की ज़रूरत है, किसी को अगर मेरे पेड सर्विस में ज्वाइन करना है, अगर हर रोज एक अच्छा पैसा आपको कमाना है, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10-15% तक भी आप कमा सकते हो, 10-12% अगर आपको कमाना है हर रोज, तो मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी मेंशन हुआ है, उस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल करो या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो, आपको मैं पूरी डिटेल्स बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पर भी कुछ टारगेट मैंने बताए थे, काफ़ी अच्छे टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिला है। टाटा मोटर्स करीबन 473.74 के आसपास और उसके नीचे 467 तक भी हम लोग ने यहाँ पर सपोर्ट का प्लान किया था, बट आपको देखने को मिला है 476.77 के आसपास आपको यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला है। तो चलते हैं कल के लिए, कल कौन से लेवल पर आप उसको ट्रेड कर सकते हो। टाटा मोटर्स का सपोर्ट रहेगा 489.65 पैसा, जैसे ही 489.65 पैसा क्रॉस करेगा डाउनसाइड के लिए सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 483.10 पैसा, दूसरा रहेगा 476.60 पैसा। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 496.15 पैसा, जैसे ही 496 के ऊपर चलने लगता है 502.70 पैसा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 508.20 पैसा, 513.85 पैसा, यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिला है।
गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने आपको क्लियरली बता दिया हूँ। अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आता है वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। और किसी को भी अगर मेरे पेड सर्विस में ज्वाइन होना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, काइंडली आप लोग मुझे मेल करके सारा डिटेल ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।